हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं गेट और आईएएस में, और अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं इसके। और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। इस सब्जेक्ट में हमें ये जानना रहता है, जैसे हम कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके ऊपर कितने टाइप्स की लोडिंग रहेगी, कितनी स्ट्रेसेस आएगी उसकी, उसका फेल्यूर क्या कहाँ होगा, तो हमें ये सब जानना रहता है इस सब्जेक्ट में। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट समझने के लिए काफ़ी आसान है, तो इसे लेते हैं, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। इसमें तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड। अब इलास्टिक मतलब क्या है? इलास्टिक ऐसा मटेरियल रहता है जिसे हमने फोर्स लगाया, सपोज हमने उसे खींचा तो वो क्या कर, और खींचने के बाद वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच हो गया। अभी उसको हमने छोड़ा, उसके ऊपर फोर्स हटा दिया, मतलब जो हम खींच रहे थे उसको निकाल दिया, तो वो क्या करेगा कि उसकी शेप और साइज वापस रिगेन कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ये रबर बैंड जो मेरे पास है, अभी इसको मैं खींच रहा हूँ तो ये खींचा जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको खींचना छोड़ दूँ तो ये वापस उसकी साइज और शेप रिगेन कर लेगा, मतलब वो उसी साइज में आ जाएगा जिस साइज में ये पहले था। इसे कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। अभी प्लास्टिक मटेरियल लेते हैं। प्लास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हम खींचने के बाद वो स्ट्रेच तो होता है, बट जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो उसकी साइज और शेप वापस रिगेन नहीं करता, मतलब वो उसी स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहता है। अभी इसका एग्जांपल लेंगे, सपोज आप च्युइंगम खा रहे हैं, च्युइंगम चबाने के बाद क्या होता है, इलास्टिसिटी आ जाती है उसमें थोड़ी, बट जब आप उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वापस अपनी साइज और शेप रिगेन नहीं करता है, वो उतना ही रहता है जितना आपने उसको खींचा है। अभी थर्ड टाइप है रिजिड। इन प्रैक्टिकल कंडीशंस ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसे हम रिजिड कहे, क्योंकि हर मटेरियल फेल होता है, ब्रेक होता है या खींचा जाता है, तो इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये मटेरियल रिजिड है। हाँ, लेकिन इस सब्जेक्ट में अपन ये देखते हैं कि विद इन परमिसिबल लिमिट्स कौन कौन से मटेरियल है जो रिजिड की तरह बिहेव करते हैं, रिजिड मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए हमने इसे रखा है। इसको वैसे बोलते हैं अपन कि इट डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, बट ये विद इन परमिसिबल लिमिट्स होता है। चलिए एक टॉपिक लेते हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ये क्या होता है? सपोज एक स्टील रॉड लिया है और इसको आपने एक फोर्स लगाया है, आप इसको खींचना चाहते हैं, आप इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्टील होने की वजह से ये खींचा तो नहीं जाएगा, इतना इजीली खींचा नहीं जाएगा। सपोज आपने बहुत फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या करेगा कि इसको रेजिस्ट करेगा, ये जो फोर्स लगाया है उसको इंटरनली रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ये मटेरियल, जो कि उसे खींचने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, डिफॉर्म नहीं होने देगा, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ये हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो कि आपको डिफॉर्म नहीं होने देता है, उसकी लिमिट रहती है। जैसे आप किसी भी चीज को खींचते हैं तो वो इजीली खींचा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है आपको, अगर आपने उस रेजिस्टेंस को ओवर पावर किया तो ही वो खींचा जाता है, नहीं तो वो खींचा नहीं जाता है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन।
सपोज अगर ये फोर्स मैंने अप्लाई किया है इस स्टील रॉड को, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता तो बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती या कुछ भी, या डिफॉर्म नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम में होती। बट सपोज मैंने ये जो फोर्स अप्लाई किया है ये मेरे रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो गया, तो मटेरियल एक तो डिफॉर्म होगा या फिर उसका फेल्योर होगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा वो मटेरियल।